नोज की शेडिंग से पहले हमें एक नोज की ड्रॉ करना होगा। नोज ड्रॉ करने के लिए हमें दो हाफ सर्कल ड्रॉ करने होंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। उन दोनों हाफ सर्कल के बीच में एक फुल सर्कल ड्रॉ करना होगा। फिर हमें हाफ सर्कल दोनों जो हमने राइट और लेफ्ट साइड में किए थे उन दोनों की तरफ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, हल्का सा जैसे कि यू शेप में होगा, लेकिन एक कर्व यू शेप होगा इसका। नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा कर्व होगा। अब जो हमने फुल सर्कल ड्रॉ किया था वहाँ से हमें एक लाइन दोनों साइड से लेके जाना होगा और इसे आइज की तरफ तक हमें मर्ज करना होगा। ड्रॉ हो चुकी है, अब इसमें हमें शेड करना होगा। एक लाइट शेड की पेंसिल हमें चलानी होगी, इसमें पूरी नोज पे एक लाइट शेड चलाना होगा। के बाद अब हमें इस पे डार्क शेड की एक लाइन चलानी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने लाइट शेड से डार्क शेड पे आ गया हूँ, जिस तरह से मैं डार्क शेड कर रहा हूँ उसी तरह से आपको डार्क शेड करते हुए स्टार्ट करना होगा। डार्क शेड एक्चुअली हमें किसी चीज़ को उठाने के लिए होता है या किसी को चीज़ को डेप्थ में दिखाने के लिए होता है, तो हमें वहाँ पर डार्क शेड दिखानी होती है। हमारी डार्क शेड जब पूरी हो जाए तो इसके बाद हमें इन दोनों को आपस में मर्ज करना होगा हल्के हल्के ऐसे। आप मर्ज के लिए एक ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें कॉटन बट का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो चीज़ हो अवेलेबल आप उससे कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं है तो आप फिंगर से भी यूज कर सकते हैं। मर्ज आपको ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें। एक बार जब सब मर्ज हो जाए आपस में तब आपको
एक डार्क शेड की दोबारा से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे वो अब आपको यहाँ पे हर चीज़ को हाईलाइट करना होगा, जैसे नोज के आपके साइड से जैसे जहाँ पे डार्क एरिया था उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। जो हमने दो हाफ सर्कल ड्रॉ किए थे वहाँ पे हार्ड थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम डार्क टोन यूज़ करेंगे। जो हमने वी शेप बनाया था नीचे ना के, तो वहाँ पे हमें डार्क शेड करते हुए जाना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से आप डार्क करते जाइए। कंप्लीट हो जाए तो अब इसको हल्के हाथ से दोबारा से एक बार फिर दोबारा हम मर्ज करेंगे। हमें नोज़ पे हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट के लिए हम इरेजर का यूज़ करेंगे। इरेजर से हमें वहाँ इरेज करना है जहाँ पे हमें हाईलाइट दिखाना है। अब हमें लास्ट फाइनल टच देना है, तो इसके लिए हमें हल्का हल्का डार्क टोन दोबारा सेट करने होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।